पूरा गांव बना दशरथ मांझी। ये खबर बड़ी रोचक है, बड़ी खबर रोचक है। जब आपको दिखाने से पहले मैं पढ़ रहा था तो मैं खुद कह रहा था कि क्या गांव वाले ऐसा कर सकते हैं। एक कागज और आ गया है, बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में बताऊंगा। ये पूरा आदेश जारी हो गया है, विस्तार न्यूज खबर लगातार दिखा रहा है, आदेश सरकार ने जारी कर दिया। इस पन्ने में क्या लिखा है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस खबर को देख लीजिए। खबर क्या है, पूरा गांव बना दशरथ मांझी और इसी तरह से फावड़े लेकर पहाड़ खोदने निकल गया है। चलिए आइए पूरी खबर क्या है ये बता देता हूं। पूरी खबर है, आपने एक कहानी सुनी होगी दशरथ मांझी की, कुछ लोगों ने तो फिल्म भी देखी होगी, देखिए नहीं देखिए, कैसे दशरथ मांझी अपने प्यार के लिए पहाड़ काट के रास्ता बनाते हैं, देखिए ना, नहीं देखिए, नहीं देखे हैं तो आज कई दशरथ मांझी से मिलवाते हैं आपको। चलिए, दशरथ मांझी की कहानी ऐसी है कि जिसे दो प्यार करने वाले अक्सर प्यार की मिसाल के तौर पर देखते हैं। अब कभी कभी कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि दिमाग और भावनाएं कंफ्यूज हो जाती हैं। इस खबर में प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊं, उनकी जिम्मेदारी तय करूं या लोगों के जज्बे को सलाम करूं, देखिए लोग क्या काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसी ही एक खबर आई है मध्य प्रदेश के बड़वानी से। बड़वानी में एक गांव है मतरकुंड। मतरकुंड गांव में करीब 1500 लोग रहते हैं और गांव जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि गांव में जाने के लिए एक पहाड़ पार करना पड़ता है। अब आप बताइए कि पता चले कि ये गांव में जाने का रास्ता ही नहीं है, तो इस खबर में सिस्टम की जिम्मेदारी तय करते हुए गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पहले पूरी खबर जानिए फिर आगे की बात करता हूं। बड़वानी के मतरकुंड गांव में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब क्योंकि रास्ता नहीं है इसलिए कार नहीं आ सकती, और कार नहीं आती तो सरकार भी आ जा नहीं सकती, आज तक नहीं पहुंची, और नहीं आ पाई है कोई सरकारी सेवा, एम्बुलेंस जैसी आपातकालिक सेवा के लिए भी लोगों को पहाड़ पार करना पड़ता है। बस यही घटना हुई मतरकुंड के रुमालिया नाम के व्यक्ति के साथ। रुमालिया की पत्नी गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब डिलीवरी के आखिरी समय में उनकी पत्नी को दर्द शुरू हुआ तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी। एम्बुलेंस तो आ गई लेकिन पहाड़ पार नहीं कर सकती थी। रुमालिया ने अपनी पत्नी को लेकर पहाड़ पार करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ पार करने से पहले ही रुमालिया की पत्नी ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। ऐसी दर्द भरी कहानी कोई एक नहीं है। मतरकुंड गांव में ऐसा दर्द हर दूसरे व्यक्ति का है। ऐसा ही कुछ हुआ एक आदिवासी महिला के साथ। कुछ महीने पहले की बात है, उनकी बेटी के 8 महीने की प्रेग्नेंट थी उनकी बेटी भी। अचानक एक दिन तबीयत खराब हुई, बेटी को अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन पहाड़ पार नहीं कर पाए और बेटी की जान चली गई। सोचिए कितना दुखद होगा किसी इंसान के लिए जिसकी पत्नी, जिसका बच्चा उसके सामने केवल इसलिए दम तोड़ दे रहा है क्योंकि वो उसे चाह कर भी अस्पताल नहीं ले जा पा रहे हैं, इलाज मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। जब गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए और प्रशासन ने भी उनकी नहीं सुनी तो पूरा गाँव ही दशरथ मांझी बन गया। गांव के हर व्यक्ति ने मिलकर इस पहाड़ को काटने का ठान लिया और आज पूरा गांव इस पहाड़ को काट रहा है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। वो नहीं चाहते हैं कि अब आगे से कोई भी इस गांव में केवल इसलिए दम तोड़ दे क्योंकि वो उन्हें अस्पताल नहीं ले जा पा रहे हैं। हमारे सहयोगी गए हैं वहाँ, जफर अशरफी जा रहे हैं। देखिए आप कैसे, कितनी मशक्कत से जब इनको जाना पड़ रहा है तो वहाँ के गाँव वाले जो होंगे, सोचिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। सिस्टम को ये देखना और समझना चाहिए कि किसी को इतना भी मजबूर ना करें कि आपसे उम्मीद ही छोड़ दें। जब ये खबर आई तो हमने भी अपने सहयोगी जफर अशरफी को कहा जाइए और लोगों से बात करिए, देखिए लोग क्या कह रहे हैं। जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी सुनने के लिए विस्तार न्यूज तो पहुँचता है मैदान पर। हमारे सहयोगी गए और पहाड़ काट रहे लोगों से बात की है, गाँव के सरपंच से भी बात की है, सब कुछ दिखा दीजिए। जफर अशरफी ने पूरी रिपोर्ट भेजी, दिखाइए जरा। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल बड़वानी जिले की ये वो तस्वीर है जहां पर पहाड़ चीरने का काम किया जा रहा है, पहाड़ को रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। मेरे पीछे का ये दृश्य ज़रा दिखाइए, हमारे नजमुद्दीन जो कैमरामैन है वो इन तस्वीरों को बताइए कि किस तरह यहां पर पहाड़ तोड़ने का काम किया जा रहा है, पहाड़ पर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएँ भी हैं और जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, ये बड़वानी के मतरकुंड गांव की तस्वीर है जहाँ पर गांव को रास्ता बनाने के लिए ये कई मौतें इस पहाड़ ने ले ली है, कई जान ले ली है। कितने सालों से इस पहाड़ को ये लोग तोड़ रहे हैं, क्या कारण है, आइए हम इन्हीं लोगों से समझते हैं। ये पहाड़ हमारा रोड नहीं है, इसके कारण से हम खुद रहे हैं।
अभी कोई साल हो गए तो रोड ही नहीं, हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाती है, तो उसके वजह से हमको रोड बनाना पड़ रहा है। तो लगातार हम 4-5 साल से खुद रहे, तो खुदने के वजह से थोड़ा थोड़ा खुद के थोड़ा जैसा पेडल चले वैसा रास्ता बना रखे हमने। सर हमारा रोड के कारण ऐसी तस्वीर है सर। अच्छा। हाँ मेरे देखते देखते सर कम से कम 4 मौत हो गई है सर। 4 मौत। हाँ 4 मौत, कम से कम 3 तो डिलीवरी हो गए सर, 2-1 बीमार हो गए सर। अभी आवेदन निवेदन कर चुके हमने। कर चुके हैं। हाँ। फिर क्या हुआ? कहीं नहीं हुआ, आवेदन भी देते अपन तो कचरे में फेंक देते कि क्या। इसके बाद हमारे सहयोगी विधायक जी के पास भी पहुंच गए और उनसे भी जवाब मांगा। क्या कह रहे हैं विधायक जी, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए विधायक जी। मैंने अभी पिछली मीटिंगों में जिला पंचायत में वो मामला उठाया था, तो जिला पंचायत सीओ का ये कहना है कि अभी सदर सड़क योजना भी बंद कर दी शासन ने, उसके लिए कोई फंड नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है कि मतरकुंड सहित कई गाँव हैं जहाँ पर लोगों को आने जाने की बहुत ही, और पाटी ब्लॉक का सभी क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और पहुँच मार्ग नहीं है। ऐसी खबरें आपको केवल विस्तार न्यूज में ही मिलेगी, क्योंकि पहाड़ चढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, बाकी हर जगह तो डिबेट चल ही रहा होगा।